नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिप लाइव ऐप के बारे में और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यहां पे खुद की एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। जी हां दोस्त, एजेंसी रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस मैं आपको यहां पे करके दिखाने वाला हूं। और दोस्त यकीन माने, अगर आपके पास थोड़े से भी मेम्बर है ना, तो इस एप्लीकेशन पर काम करके आप 10 से 20% तक का कमीशन बड़े आराम से कमा सकते हैं। इस समय पर बहुत अच्छा ट्रैफिक भी है इस एप्लीकेशन पर। बस यहाँ पर एजेंसी क्रिएट करने के लिए और सारा कुछ समझने के लिए आप इस वीडियो को फॉलो करते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्त वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो आपको दो लिंक मिलेंगे। ओके, पहला जो लिंक रहेगा यहाँ पे वो एजेंसी रजिस्ट्रेशन का रहेगा और दूसरा लिंक रहेगा यहाँ पे डैशबोर्ड लॉगिन का। ओके, तो आपको क्या करना है कि पहले वाला लिंक है एजेंसी रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको जैसे सबसे ऊपर इंटर एजेंसी नेम, मतलब अपनी एजेंसी का क्या नाम आप लिखना चाहते हैं वो आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर ABC एजेंसी, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, जैसे ABC एजेंसी आप यहाँ पे लिख लें, यही नाम आपके एजेंसी का रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी लिख लेना है। ओके, और ईमेल आईडी आप यहाँ पे गूगल का ईमेल आईडी लिख लें, बहुत बढ़िया है, आपको याद भी रहेगा। और ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देने के बाद जो नीचे प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए पासवर्ड आपको लिख देना है। पासवर्ड लिखने के बाद पासवर्ड यहाँ पे रिपीट कर देना है। और ध्यान रहे कि पासवर्ड यहाँ पे आप न्यूमेरिक चूज़ करें, ज़्यादा बढ़िया है। आप यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर ऐड कर दें या फिर कुछ तरह भी इस तरह का न्यूमेरिक पासवर्ड रखें आप। उसके बाद आपको क्या करना है कि मोबाइल नंबर अपना लिखना है। मोबाइल नंबर लिख देने के बाद जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो एक कोड आ जाएगा आपके नंबर पे। कोड यहाँ पे वेरीफाई कर देने के बाद रजिस्टर आप कर देंगे और यहाँ पे आपका एजेंसी क्रिएट हो जाएगा। ओके, मतलब सिंपल सा सिर्फ ये पेज है। जैसे मैंने आपको बताया, ये एजेंसी का नाम, ईमेल आईडी, दो बार आपको पासवर्ड भरना है, पासवर्ड भर के कन्फर्म कर देना है, मोबाइल नंबर और OTP के साथ ही आपका एजेंसी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एजेंसी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यहीं पे एक नोटिफिकेशन आपको दिखा देगा कि आपका एजेंसी क्रिएट हो गया है, लेकिन आप रह जाएंगे इसी पेज पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि घबराना नहीं है, आपको क्या करना है कि ये पेज यहाँ से कट कर देना है। और कट कर देने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दो दिया है ना, दूसरा लिंक डैशबोर्ड लॉगिन का, वो आपने ओपन कर लेना है। ओके, अब चलिए मैं दिखा देता हूँ वो पेज कैसा होगा। अब दोस्त जब आप दूसरा लिंक ओपन कर लेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो ईमेल आईडी आपने रखा था ना गूगल का, वो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने रखा था वो आपने यहाँ पे ऐड करके और यहाँ पे साइन इन कर लेना है। ओके, जैसे मैं अपना आईडी और यहाँ पे पासवर्ड टाइप मेरा यहाँ पे सेट है ऑलरेडी, मैं इससे लॉग इन कर लेता हूँ। और लॉगिन जैसे हम क्लिक करते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है और हमारे यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाता है। ओके, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड है ओपन हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि सामने ही हमारे ऑप्शन दिखा रहा है ऐड बैंक अकाउंट का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे बाइंड न्यू बैंक का ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे बाइंड पे क्लिक करके आपको अपना बैंक डिटेल सारा ऐड कर लेना है। ओके, और अगर पहले से ऐड है तो अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो यहीं पे क्लिक करके चेंज करेंगे। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भरना है, फिर अकाउंट नंबर कन्फर्म करना है, फिर अपने बैंक का नाम, IFSC कोड और बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, और ये करके सेव कर देना है। ये रहेगा पेमेंट विड्रोवल के लिए। और जो भी एजेंसी में काम होता है ना, वो सारा पेमेंट मतलब मंडे से लेके और वेडनेसडे के बीच बीच में 3 दिन के अंदर अंदर आपका कैश आउट हो जाता है। ये पैसा मतलब एक बार हमें फिजिकली यहाँ पे कैश आउट पे क्लिक करना होता है, उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर पैसे आ जाते हैं, कई बार 1-2 घंटे में भी पैसे आ जाते हैं हमारे अकाउंट में। ओके, तो ये हम अभी क्लोज कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो कैसे अपने एंकर्स को आप यहाँ पे आईडी प्रोवाइड करेंगे, कैसे उनसे काम करवाएंगे आप। ओके, तो इसके लिए देखिए हम जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो एक मेंबर लिस्ट का ऑप्शन रहता है हमारे सामने, आपको मेंबर लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने होस्ट प्रोफाइल का ऑप्शन रहेगा, इसको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए यहाँ पे एक ऐड फीमेल का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करने के आईडी क्रिएट करना है फीमेल्स के लिए। ओके, अब यहाँ पे आईडी क्रिएट करने के लिए देखिए हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला तो यूज़र नेम, यूज़र नेम में आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ABC कुछ भी आप जो भी चाहें, या फिर लड़की जो भी नाम रखना चाह रही है अपनी आईडी में वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद लड़की का मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप कर देने के बाद आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो एक OTP आ जाएगा लड़की के मोबाइल नंबर पे। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिर भर के OTP और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन बन जाएगा। जैसे मेरे सामने देखिए कुछ आईडीज़ हैं, यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस भी बने हुए हैं, जैसे आईडी नंबर, यूज़र नेम, पिक, फिर यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी, पासवर्ड और स्टेटस, ये सारा ऑप्शन हमें दिखा रहा है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो ईमेल का है जो ऑप्शन दिया गया है इसको आपने कॉपी कर लेना है और ये हमें उनको लड़की को दे देना है, बोल देना है कि आपका लॉगिन आईडी है। और उसके बाद ये जो पासवर्ड है इसको भी कॉपी करके हमें उनको दे देना है कि आपका पासवर्ड है। अब लड़की क्या करेगी कि यही लॉगिन और पासवर्ड जो है ना, दो लॉगिन आईडी और पासवर्ड, इसी से अपना जिप लाइव आईडी पे जाके जो फोर्थ ऑप्शन रहता है लॉगिन करने का, लॉगिन विद यूज़र आईडी, उस ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगी। और मतलब वहाँ पे
पे लॉगिन विद यूज़र आईडी पे क्लिक करके यही आईडी और पासवर्ड लगेगा, फिर उनका लॉगिन हो जाएगा, फिर एक डीपी उन्होंने सेट करना है और उसके बाद लाइव आके काम करना शुरू कर सकती हैं वो। ओके, अब यहाँ पे जो भी लड़कियाँ काम करें उन सबका स्टेटस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके होस्ट वीकली रिपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वीकली यहाँ पे कॉलम बना रहेगा, इसमें किसी भी मेंबर का कोई भी डेट है वो उसको क्लिक कर दें आप, तो यहाँ पे आपको चेक हो जाएगा कि कौन से आईडी नंबर पे किस यूज़र नेम ने कितने यहाँ पे कॉइन्स का काम किया। ओके, और ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा वैलिड है कौन सा अनवैलिड है, वो सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें कैश आउट का तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पे क्लिक करके सेटलमेंट का ऑप्शन है, सेटलमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जैसे होस्टेस सेटलमेंट का दिखा देगा कि कौन से मेंबर ने यहाँ पे कितने पैसे कमाए, ये लास्ट वीक का है, और ये वीक भी जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर ये सारा डिटेल सेट हो जाएगा कि किस एंकर ने कितने का डॉलर का काम किया। ओके, और आपको अपना पेमेंट विड्रॉ करने के लिए जैसे पेमेंट विड्रॉ का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर यहीं पे एक विड्रॉ का जैसे ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मेरा भी यहाँ पे 00 दिखा रहा है, यहाँ पे मंडे मॉर्निंग में हमारा सारा अर्निंग शो कर रहा होता है, मंडे मॉर्निंग में यहाँ पे आने के बाद आपको विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। जब विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम लगता है और यहाँ पे जो हमारा बैंक डिटेल है यहाँ पे पेमेंट हमारा प्रोसीड कर दिया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारा पेमेंट हमारा प्रोसीड हो चुका है, सारा पेमेंट हमारा आ चुका है। तो दोस्तों ये था जीप्लाइव एप्लीकेशन में खुद की एजेंसी क्रिएट करने का और पेमेंट वगैरह सारा कुछ चेक करने का डिटेल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे आईडी क्रिएट करना, उनका वर्किंग रिपोर्ट चेक करना और पेमेंट कैश आउट करना ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।